सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आह्वान। तीर्थों की सुरक्षा में होगी जान, कभी होगी पहचान, बचा के रखिए। कैसे बचाना है आज सादर जत, इसी की शुरुआत करते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से। वैसे पढ़ा लिखा समाज है, सबसे ज्यादा शिक्षित समाज, सबसे रोजगार देने वाला, टैक्स देने वाला, और 25% टैक्स देने वाले का आदमी चुन चुनकर उसके तीर्थों को मिटाने वाले, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? आज हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी यही आ गई है कि कैसे अपनी विरासत को, पुरातन को, संस्कृति को, जो हमारे समाज की नहीं देश की पुरातन संस्कृति है, उसको बचाने के लिए आज जैन समाज को जूझना पड़ रहा है, चुन चुन के उस पे निशाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि सबको समान नहीं देखा जा रहा? क्या खोपड़ियों के चक्कर में अंतर पड़ जाता है? टैक्स सबसे देकर भी आज छोड़ा जाता है, कहते हैं निशाने पर छोड़ा जाता है। सुनिए जरा आचार्य जी क्या कहते हैं इस बारे में। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। आगे का बोलो, जमाना हमसे है, जमाना हम जमाने से नहीं। हमारा ऐसा रुतवा रहा है लेकिन अभी हम बहुत ढीले पड़ते जा रहे हैं। सच्चाई है, जो लोग 25% टैक्स दें, देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा हाथ लगाएं और उनकी कीमत ना हो और उनके तीर्थों पर कब्जे हों और सरकार कुछ ना कहे, उनका मंदिर तोड़ने पहुंच जाएं। उज्जैन के लोग पता नहीं किस तरह की सोच के लोग हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसका एक हिस्सा ढहाया जा रहा है, वो चुप बैठे। कठोर शब्द बोल दें, चूड़ियां पहन के बैठे, और कठोर बोला जा सकता है, लेकिन हमारे ही लोग हैं, क्या कठोर बोलें। इतनी तो समझ चाहिए कि कहां बोलना है। अगर उस मंदिर का हिस्सा ढहाया जा रहा है तो उस लाइन में आने वाले सारे ढहाइए, वरना इसको भी हाथ मत लगाइए। हम सरकार के संविधान के साथ हैं, इस मंदिर का कोई हिस्सा तोड़ना है तोड़ो, लेकिन इस तरह से इस मार्ग पर जो जो आ रहे हैं आपको सबके साथ बराबर हिसाब करना चाहिए। लाल बाल फूलबाई उनके मंदिर बच गए, चौराहे पर एकदम बीच में कर्फ्यू भैरव हैं, वो ऐसे कैसे ही बैठे हैं जैन मंदिर तक, तो ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों की? और मुख्यमंत्री कोई आसमान से टपके, उसी में से तो पैदा हुए, एकजुट हो जाओ, अगले बार उसको टपका दो अगर बात नहीं मानता है, नहीं समझता है। हमने अपना अपना स्टेटस सिंबल रखा है, व्यापारी है तो मार्केट की नब्ज जानता है, कोई ना कोई अपने तरीके से समाज को समझता है, जब अपनी बात आती है बहुत आगे बढ़ के काम करता है, पर जब अपने तीर्थों की बात आती है तो कहते हैं हम अहिंसक हैं। यह अहिंसक नाम हमें तब आता है जब अपने जैन तीर्थों पर या छल तीर्थों पर आवाज उठती है। वैसे तो हीरो हैं लेकिन सुरक्षा के नाम पर हम जीरो बन जाते हैं, कायरता हमारे अंदर जमने लगती है, हम कमजोर हैं, यह हमें कमजोर समझ लिया जाता है। बहुत बड़े सवाल उठते हैं इस बारे में, क्या कहते हैं आचार्य सुनील सागर जी इस बारे में, जब हम अपने तीर्थों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। सुनिए जरा, जो तूफानों से लड़ते हैं वही दुनिया बदलते हैं, बिना संघर्ष के कई बार अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाता है। लोग आजकल मार्केट की स्पर्धा को समझते हैं, शिक्षा की स्पर्धा को समझते हैं, स्टेटस लेवल बनाए रखने की स्पर्धा को समझते हैं, लेकिन सबसे विचित्र बात है कि समझने वाले लोग भी अपने तीर्थ और समाज के विकास को नहीं समझते, उनकी संरक्षण और सुरक्षा को नहीं समझ पाते हैं। कभी गिरनार जी में घटना बनती है, कभी खंडगिरी उदयगिरी में, कभी सोनागिर में, तो कभी मंदारगिरी में। समझ में नहीं आता है जैन तीर्थों पर ही उपद्रव क्यों होते हैं, या तो लोगों ने आपको पूरी तरह से कमजोर समझ लिया या फिर आप कमजोर हैं। माना कि हमें किसी से लड़ना नहीं है और किसी को कष्ट देना नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ तो कर सकते हैं
कि जिससे हमारे तीर्थों की सुरक्षा हो। जहां जहां तीर्थ हैं सबसे पहले उनकी एक ठीक ठाक बाउंड्री वॉल होना चाहिए। एक साधारण सा व्यापारी अगर ज्वेलर्स की दुकान खोलता है तो सबसे पहले महंगे वाले मजबूत ताले खरीदता है। बंडर सीमेंट कहीं फैक्ट्री लगाता है तो सबसे पहले उसकी बाउंड्री वॉल बनाता है। एक साधारण सा व्यापारी सबसे पहले दुकान पुख्ता है कि नहीं इस पर ध्यान देता है। और सबसे बुद्धिमान कहलाने वाली जैन लोगों के तीर्थों का यही ठिकाना नहीं है कि उनकी बाउंड्री कहाँ तक है, उनकी जमीन कहाँ तक है। उनका मंदिर तो सोने का बन जाएगा, मंदिर मार्बल का बन जाएगा, भगवान सोने के बैठ जाएंगे, लेकिन उसके दीवारों का, उसके तालों का, उसकी बाउंड्री का कोई अता पता। और मंदिर पर ताला भी लग जाएगा तो मंदिर की भूमि कहाँ तक है। बुजुर्गों की, पुरखों की सैकड़ों एकड़ भूमि इधर उधर दावा लाई गई। अरे जब अच्छा बस, जब पहले की बात है, जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी जयपुर में आए थे तब चर्चा हुई थी, तो उन्होंने श्रमण बोर्ड बना भी दिया। अभी कार्यवाही क्या हुई उसका पता नहीं चला। आचार्य साफ कहते हैं, पढ़े मत रहो, कायरता मत दिखाओ, कुछ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सुनने वाला आएगा पर जब तक मुंह से आवाज नहीं निकाल पाएगा तब तक कोई तेरे पास कैसे आएगा। कभी हम अपने बारे में चिंता करते हैं, तीर्थों के बारे में, सुरक्षा के बारे में, अरे वक्त है इस समय कुछ ना। शिखर जी के बारे में एग्जाम्पल देते हैं, चाहिए बहुत सही कहते हैं, जब तुमने बोला बाहर निकले तो देखो संसार के तकाजा के आकर सरकार को भी सुनना पड़ा था, लेकिन घरों में बंद कोई नहीं सुनता है। अरे पड़े मत रहो, खड़े तो रहो, सुनिए। गहलोत जी को हमने कहा कि ऐसा कुछ प्रावधान हो, कम से कम प्राचीन जैन मंदिरों का रखरखाव हो, मुनि संघों का स्वतंत्र विहार हो। उन्होंने भी जैन संस्कृति बोर्ड की रचना की। फिर अभी सरवाड़ में मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री भजन लाल को भी कहा, कोई भी आके बैठ जाएगा, कोई भी लूट जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। जितने ज्यादा कमजोर मत बनिए, जहां जरूरत है वहां दो लफ्ज बोलिए तो सही। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, ये अहिंसा नहीं है कि आपके मंदिर पर, आपके घर पर डाका डाला जाए और आप चुपचाप बैठे रहो। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इंकार करती है। तो क्या महाराज जी हथियार लेके पहुंच जाएं? हथियार की बात नहीं है, आपकी बात ही बहुत है। बात भी तो निकालिए, आवाज भी तो लगाइए, गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। शिखर जी के ऊपर समाज जब एकजुट हुआ तो उस वक्त कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? केंद्र को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? आचार्य से पूछ लिया था, विज्ञान भवन में जब आचार्य श्री गए थे, जब मोहन भागवत जी आए थे, तो उन्होंने वहां पर अपने अंदाज में स्पष्ट रूप से गिरनार आदि तीर्थों के बारे में बात कर ली। सरकार को बिना बुरा कहे उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी। ये भी कहा उन्होंने कि ऐसे कार्यक्रमों में जब 2550 में नौवीं बात हो रही हो तो कम से कम छोटी छोटी जब 50वीं 100वीं जयंती में प्रधानमंत्री आते हैं तो क्यों नहीं इसमें आते हैं। पत्र भी दिया सौभाग्य चलमी का, वह पत्र हमने मोहन भाग दिया और केवल हमारे ही मेमोंडो ने सुना, मोहन भागवत जी ने। तब यही बात अगर भारत मंडप में हमारे आचार्य सुनी थे साफ पूछ लिया कि अगर आप होते तो क्या बात करते, क्या कह पाते, क्योंकि उस समय जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहां आए तो हम अपनी बात नहीं कह पाए, कहते हैं अपने मंच का हम सदुपयोग नहीं कर पाए। अगर आप होते तो क्या कहते, सुनिए जरा आचार्य इसका क्या जवाब देते हैं, सुनिए सही। कोई हमसे कहे कि अगर आप वहां पर होते भारत मंडपम में, चूंकि आप रहने वाले थे, लेकिन अगर निकल गए पंचकल्याण के निमित्त से, अगर होते तो क्या बोलते? तो हमने कहा ये तो जरूर बोलते, विरासत के साथ विरासत, विकास के साथ विरासत जरूरी है। विकास के साथ विरासत के साथ विकास कीजिए, थोड़ा गिरनार पर भी ध्यान दीजिए,
थोड़ा जैन तीर्थों पर भी ध्यान दीजिए, वो भी तो इस देश की विरासत है। केवल अचल तीर्थों की बात नहीं हो रही है, चल तीर्थों की भी सुरक्षा आज हमारे लिए एक बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाई देती है। सरकार ने इस बारे में हमें कई गारंटी दी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि हमें सूचना तो दो, हमें बताओ तो सही कहां से कहां आपके संत विहार करने जा रहे हैं। अरे हम तो इतना भी नहीं करते हैं तो हम और कहते हैं जब कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है तो हम शोर मचाते हैं। आचार्य ने इस पर समाज को चेताया और क्या कहा सुनते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब किसी मूर्ति पर चोट पड़ती है, किसी मंदिर पर चोट पड़ती है, और उससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब चलते फिरते तीर्थों पर चोट पड़ती है। मुनियों पर उंगली कर रहे हैं लोग, माता जियों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? सरकार प्रोटेक्शन क्यों नहीं देती है? भाई सरकार समाज तो सक्षम हो। दूसरी, सरकार ने तो कह दिया है कि कहीं भी साधु विहार करें। मुख्यमंत्री आए थे तो बोले कि हमारी तरफ से महाराज जी पूरी सेवा है, भक्ति है कि कहीं भी साधु संघों के विहार हों तो पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन सूचना तो मिले। मतलब सूचना तक नहीं दे सकते। समाज में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आपसी समझ, आपसी संपर्क और काम बांटने की एक कला। आज तुम ये कर लो, मैं नहीं देख पा रहा हूं, आज तुम देख लो। अच्छा, स्पष्ट साफ शब्दों में कहते हैं, अगर जैन हो, जैन कुल में जन्मे हो तो कम से कम साल में एक तीर्थ की वंदना जरूर करो। और एक स्पष्ट करो, अगर किसी गिरी पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं तो वहां ऊपर कुछ खाएंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, स्पष्ट रखो। और उसके लिए जो कमेटी बनी है ना, पीछे जैसे हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, उसके हाथ मजबूत करो। हर घर का सदस्य उसका होना चाहिए। जब आप उसका जुड़ोगे तब कहते हो तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपना आप योगदान दे पाओगे। हर बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही नहीं, सहयोग सबका होता है तो काम आगे बनता है। सुनिए, हम तो इस देश के मूल हैं, जड़ हैं, और देश और समाज का कभी अहित जैन लोग नहीं सोचते हैं। ऐसे में सरकारों और दूसरे लोगों को जैन श्रावकों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, उनके तीर्थों का, उनके पुरातत्व का सम्मान करना चाहिए। अगर उनके तीर्थों पर चोट पहुंचाएंगे तो उनके हृदय को चोट पहुंचती है। तीर्थ हमारी आस्था के केंद्र हैं, विरासत के बिंदु हैं और आत्मकल्याण करने की शिक्षा देने वाले महाविद्यालय हैं। इसलिए हर साल कम से कम एक तीर्थ वंदना करें। तीर्थ वंदना करते वक्त पहाड़ों पर लगी हुई दुकानों से कुछ नहीं खरीदें, कुछ नहीं खाएं, ज़रूरत हो तो अपने साथ ले जाएं और जो कचरा इकट्ठा हो अपनी थैली में रख करके वापस लाएं। शुरुआत करें हम तीर्थ के लिए काम करने वाली तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोगी बने, इस तरह की और संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनसे जुड़ें, ताकि एक और एक जुड़ करके 11 हों। यह महामंगलकारी वीतराग जिन धर्म युगों युगों तक जीवंत रहे, हजारों हजारों जीवों का कल्याण करता रहे। कभी हमने आपने सोचा है कि हमारा भारत क्यों और देशों के प्रति ज्यादा सुरक्षित है, क्यों पाश्चात्य सारे लोग यहाँ पर आते हैं? इस बारे में कभी हमने गहन अध्ययन नहीं किया, सोच नहीं पाए। वाई इंडिया इज गुड, अब इंडिया नहीं बोलना चाहिए, बोलना भारत ही, क्यों भारत आज सुरक्षित है? आचार्य श्री जब बैठाई थी अब कम से कम उस पर बात, अगर भारत का है तो अंग्रेजी में भी अब BHARAT होना चाहिए, INDIA साफ होने। हाँ, बात कर रहे हैं क्यों है सुरक्षित हमारा भारत, जाते जाते गुरुवर से यह भी सुनते जाइए और जान जाइए, भारत है तो हम हैं और हम से ही भारत बनता है जब तक हम सजग रहते हैं। सुनिए, धर्म से है प्यार तो हर पल ही कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें जिन धर्म रहना चाहिए। सच्चाई ये जरूरत है, ये हम लोग इसे मान रहे हैं इसलिए नहीं, ये समाज के लिए जरूरत है। जहां सत्य अहिंसा सदाचार और शाकाहार है वो ही समाज जिंदा रहेगा, बाकी पूरे देश नष्ट हो जाएंगे। हमारे देश में आपस में लोग इतना शांति से कैसे बैठते हैं, आए दिन लोग एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते रहते, क्योंकि यहां अहिंसा है। जहां अहिंसा है वहां विश्वास है,
जहां विश्वास है वहां मैत्री है, जहां मैत्री है वहीं शांति है। और केवल अहिंसा को हिंसा में बदल दिया जाए। आप आज देख लो यूक्रेन का क्या हाल है, छोटे बड़े बूढ़े सबका यह हाल, कब बम टपकेगा और कब हम टपकेंगे। पाकिस्तान का भी कोई बहुत अच्छा हाल है, हथियार बनाए थे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आज खुद ही परेशान हो गए, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का इलाज नहीं है। हिंसा से अविश्वास पैदा होता है, अविश्वास से दुश्मनी का भाव पैदा होता है, दुश्मनी के भाव से अशांति पैदा होती है, फिर कोई शांति से बैठ भी नहीं सकता। जहां अविश्वास, किसी गांव में अविश्वास पैदा हो, विश्वास पैदा हो जाए ना कि यार इसको गाली दी, अब ऐसा नहीं कि हमारे घर में आग लगा दे, अब ऐसा नहीं कि हमारे खेत में आग लगा के आ जाए, इससे हमारी खुन्नस हो गई, ऐसा नहीं कि अभी होली पर दिवाली पर हमें नुकसान होता है कि नहीं। अविश्वास पैदा होता है, फिर अशांति पैदा होती है। इसलिए ये जिन धर्म का जीवंत रहना जरूरी है कि इसके बल पर पूरी दुनिया में अहिंसा जिंदा रह सकती है।